बेस्ट सुपर हीरो यूनिवर्स कौन सा है। सो मार्वल और डीसी के अलावा भी कई सारे सुपर हीरो यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब तो इंडिया भी अपने सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन यूनिवर्सेस के बारे में जो वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो मार्वल और डीसी के कंपैरिजन में कहाँ फिट होते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रो। आप सोच रहे होंगे ये लड़की कौन है, नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर। To know more about me, you can check out this link. तो start करते हैं मास्टर हीरो यूनिवर्स से। हम सब ने बचपन में पावर रेंजर्स तो देखा ही होगा और हम सब ने डुकेंडो के बारे में भी सुना ही होगा। तो वैसे तो ये डिफरेंट यूनिवर्सेस का पार्ट है, पर क्योंकि वो सारे मास्टर हीरोज हैं, तो उन्हें एक ही मल्टीवर्स का पार्ट लेके चलते। तो सबसे पहले आए थे कामेन राइडर, वो हीरोज जो ट्रांसफॉर्म होके बग मॉन्स्टर से लोगों को बचाते थे। फिर उनसे इंस्पायर होकर आए सुपर सेंटाई, जिनका ही हॉलीवुड रीमेक पावर रेंजर्स है। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सुपर हीरोज थे और इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि ये टीम हीरोज थे। सारे पावर रेंजर्स जो अब तक आए हैं वो सेम यूनिवर्स का पार्ट है और उनका कई बार क्रॉसओवर भी हो चुका है। वही जो इनके ओरिजिनल वर्जन्स यानी सुपर सेंटाई वो भी कामेन राइडर से क्रॉसओवर कर चुका है। तो नंबर 5 पर है हमारे बचपन के बेस्ट मास्ट हीरोज का यूनिवर्स। इसके बाद नंबर 4 पर है इमेज कॉमिक्स। तो ये मार्वल और डीसी का मोर मैच्योर और डार्कर वर्जन मान के चलो। इनके मल्टीवर्स के जो सबसे हिट एडप्टेशन अभी चल रहे हैं वो है इनविंसिबल और द वॉकिंग डेड। यस, हम सबका फेवरेट ओमनीमैन इसी मल्टीवर्स का पार्ट है। उसी में विच प्लेट भी आता है जिसके ऊपर एक एनिमे बन चुका है। उसके अलावा की कैसे 2 लाइव एक्शन मूवीज अवेलेबल है और उसके अलावा हम इनके जुपिटर्स लेगेसी और स्पॉन एडप्टेशन भी देख चुके हैं जो कि उतने खास नहीं थे, पर ओवरऑल जिनको इनविंसिबल जैसी मैच्योर स्टोरीज पसंद है ये उनके लिए है। नाउ नंबर 3 पर है ओमनीवर्स यानी बेन टेन का मल्टीवर्स। अब जितना परफेक्ट ये है इजीली नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है, पर ये अभी तक उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। इस एक शो में ग्रैंडपा मैक्स से लेकर केविन एंड ग्वेन तक इतने कैरेक्टर्स हैं जिन पर अच्छे स्पिन ऑफ बन सकते हैं। उसके अलावा मल्टीवर्स में बेन के ही इतने यूनिक वर्जन्स हैं, तो पोटेंशियल बहुत है पर अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं किया गया और अभी तक सोलो बेन पर ही ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए ये यूनिवर्स टॉप पर नहीं है। अब नेक्स्ट यानी नंबर 2 पर है मार्वल मल्टीवर्स, MCU, X-Men, Comics एंड Spider-Verse। मार्वल टॉप 2 सुपर हीरो सेलर में इसीलिए है क्योंकि अच्छा या बुरा उनके पास कंटेंट की कमी नहीं है और ना कभी होगी। उन्होंने हमें इतने सुपर हीरोज और इतनी एपिक स्टोरीज दी है कि हर कोई डिफरेंट सुपर हीरो को अपना फेवरेट बना सकता है। मार्वल मल्टीवर्स बहुत बड़ा है जो स्ट्रीट पर लड़ने वाले ग्राउंडेड बिना पावर वाले हीरो से लेकर उन गॉड्स तक जाता है जो पूरे मल्टीवर्स को एक थॉट में खत्म करते। तो इतनी लॉन्ग रनिंग क्वालिटी और फैन बेस के चलते ये टॉप सीट डिजर्व करता है, पर वो टॉप सीट और नंबर 1 पोजीशन ले जाता है डीसी मल्टीवर्स, क्योंकि डीसी ने ही मल्टीपल हीरोज का एक साथ लड़ना और ये क्रॉसओवर टीम्स अप को मेन स्ट्रीम बनाया। सुपरमैन और बैटमैन जैसे आइकॉन्स दिए। जब कॉमिक्स बस टाइम पास की चीज होती थी एंड चाहे DCEU एक फेल रहा हो, पर उन्होंने ही DCAU बनाकर एक फर्स्ट प्रॉपर सुपर हीरो यूनिवर्स अडेप्ट किया। वो चाहे एनिमेशन में ही क्यों ना हो, उन्होंने 90s में ही अपना यूनिवर्स बच्चों के सामने रख दिया था। तो DC के जो सोलो इवेंट्स होते हैं वो भी अपने आप में आइकॉनिक बन जाते हैं, तो इसीलिए DC नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है। तो आप हमारी इस रैंकिंग से कितना एग्री करते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर अगर आपकी कोई और रैंकिंग है तो वो भी हमें बताना ना भूलें। सारे कमेंट्स पर। सो दिस इज मी निशात खान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कीप ऑन वाचिंग सुपर इंडिया 3.0। बाय बाय। ओह मैन, आई हेट दैट साउंड। गाइस, बेस्ट सुपर हीरो यूनिवर्स कौन सा है? कौन सा है ये बात जानने के लिए मैं बता रही हूँ भी आपको।